नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरोग्यम योगा एंड वेलनेस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो योगा सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है, सब कुछ। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। आपने वैसे भी थंबनेल देख के तो पता आपको चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में, वो जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिगिनर जो है उनको, यानी कि एज ए इंडिविजुअल भी आप सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप एक योगा टीचर है, आपके पास एक योगा टीचर का जो है सर्टिफिकेट है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से भी आपको एक सर्टिफिकेट मिले, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और जिनका इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जिनका योगा सेंटर है, योगा स्टूडियो है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है, फिर भी आप जो है सर्टिफिकेट वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। तो उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पर या फिर फोन पर क्रोम ब्राउजर आप ओपन करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और फिर सर्च बटन में जाकर, सर्च ऑप्शन में जाकर ये आप YCB आप जो है उसको टाइप करेंगे और फिर एंटर या फिर सर्च बटन आपको दबा देना है। अभी जो फर्स्ट आपको वेबसाइट दिख रहा है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का, आपको उस पर क्लिक करना है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है YCB का, तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल गया है, ठीक है। तो फ़ोन में आपको इस जो है इस तरीके का दिखेगा, जो अभी जैसे दिख रहा है वैसे लंबा और से आपको दिखेगा। लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा है इसलिए आपको ये पूरा ऐसे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है IDY 2021 पर क्लिक करना है। देखिए एक और जो है पेज खुल गया है, इंटरनल पेज, तो इस पर जो है देखिए पांच ऐसे बने हुए हैं, आपके पांच जो ब्लॉक्स है वो बने हुए हैं। तो इसमें बस तीन ही है जिसपे आपको अप्लाई करना है। पहला वाला जो है वो है कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जो MDNIY का जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है जो हम हर बार फॉलो करते हैं आपके IDY में, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में, वही उसी का सर्टिफिकेट है। सेकेंड है फिट इंडिया मूवमेंट का, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड जो है ये है आपके योगा टीचर या फिर जिनका योगा स्टूडियो, योगा सेंटर वगैरह है उनके लिए। तो आपका अगर सेंटर है तो आप इसमें जाएंगे, नहीं तो आप दोनों में कर सकते हो, एज ए इंडिविजुअल दोनों में आप कर सकते हो। तो मैंने फिट इंडिया मूवमेंट में कर रखा है पहले से, इसलिए ये वाला हम पहले ट्राई करते हैं। हम ऐसे ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज ओपन हो गया जिसमें आपका ये फॉर्म रहेगा। देखिए ये पूरा फॉर्म है, तो इसको हम फिलअप करेंगे अभी। इसको अब टाइटल आपको सिलेक्ट करना है जो भी है, फिर आपको अपना नाम डालना है इसमें, नाम डाल दिया। फिर आपको नीचे जाकर अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है और फिर जो है आपका ये डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है। ये हो गया, नीचे आप अपने फादर्स नेम आपको डालना है। और उसके बाद नीचे आप अपना मदर्स नेम भी डालेंगे, जो जो है उसको फिलअप करेंगे आप, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे ये सब। और इंस्टीट्यूशन नेम, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, सेंटर वगैरह है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है कोई बात नहीं, आप उसको यहाँ मेंशन कर दें तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और जिसका कुछ भी इंस्टीट्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अभी जो एड्रेस है ये आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन मोड में ही सब कुछ हो रहा है, तो आप एड्रेस स्किप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने कर दिया। यहाँ ईमेल आईडी, ये आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको देना है।
अभी जैसे ईमेल आईडी आप अपना खुद का भी दे सकते हैं, अगर सेंटर का है उसका भी आप डाल सकते हैं। फिर जो फ़ोन नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, आपको वो भी डालना है। और फिर आप नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए एक जो कैप्चा है वो आपको डालना है सही से। डाल दिया हमने, अभी इसमें सबमिट करेंगे। तो ये हमने सबमिट कर दिया, हो गया हमारा सबमिशन। अभी देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी से ही इसको डालकर ही आपको अपना सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप इसको क्या करें, आप इसको प्रिंट कर लें। जो अगर फ़ोन में कर रहे हो तो ये प्रिंट करने के बाद आपको पीडीएफ ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको पीडीएफ में सेव करना है कि नहीं। अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो अभी जैसे दिख रहा है आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रिंट ऑप्शन पे डाल दिया तो अपने आप सेव हो गया। अभी देखिए ये जो देखिए यहाँ सेव हो गया, हम इधर दे देते हैं नाम ID Y 2021, हमने ये दे दिया और ये पीडीएफ फॉर्म में सेव हो गया। अभी ये नीचे जो लॉगिन का बटन दिख रहा है वहीं पर आपको लॉगिन करके ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर अपना नाम डालना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी कर लिया हमने, फिर हम लॉगिन पर गए, ठीक है। यहाँ लॉगिन पर जाने के बाद देखिए आपको अपना जो फ़ोन नंबर आपने जो दिया था आप वो भी दे सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया और वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी था वो आपको यहाँ पेस्ट करना है, हो गया। अभी सबमिट करते हैं। देखिए अभी इसमें आपको 4 दिन का जो है 4 वीडियोस मिलेंगे। इसमें Day 1, आज मेरा Day 1 है क्योंकि मैंने आज रजिस्टर किया है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगी तो वो वीडियो मेरे को जो है दिखना चालू हो जाएगा। ये जो वीडियोस है ये जो है गवर्नमेंट नहीं देख रही है कि आप वीडियोस देख रहे हो या नहीं, ये बस जो है आपका नॉलेज पर्पस के लिए ही है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, मैं आपका जो है नॉलेज इससे बहुत ज़्यादा गेन होगा। और ठीक आप 5th डे को, यानी कि अगर आप आज कर रहे हो, यानी कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को अगर आप कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो आप जो 5th डे है, फ्राइडे आपका 1st डे होगा, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ट्यूसडे को आप वापस लॉगिन करोगे। करने के बाद जो है आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेम आपका जो ये फिट इंडिया मूवमेंट था उसमें भी आपका ऐसा सेम ही होगा प्रोसेस, ठीक है। ये हमने लॉग आउट कर दिया बस, तो चलिए हो गया ये। सेम आप फिट इंडिया मूवमेंट में भी आप ऐसे कर सकते हो। तो हम चले जाते वापस उनकी ऑफिशियल साइट पर, तो वहाँ जो है आपको दिख जाएगा कि जो फिट इंडिया मूवमेंट वाला जो प्रोग्राम था उसमें भी आप ऐसे रजिस्टर कर सकते हो। तो फिट इंडिया मूवमेंट में मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मेरा वापस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप सेम ही हैं, फॉर्म सब सिमिलर है, आपको उसमें करना है। अभी आते हैं इस पर, एप्रिसिएशन प्रोग्राम, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, तो इसमें आपको देखिए 2 मिलेंगे, एक है इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन और दूसरा है टीचर रजिस्ट्रेशन। तो टीचर का मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से सर्टिफिकेट्स है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, तो मैं इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्लिक करूँगी, देखिए ये आपका जो फॉर्म का जो पेज है ये वापस लोड हो गया। तो इसको आपको कैसे करना है, सेम ही है जो दिया हुआ है आपको, इसको बस फिलअप करना है। इसमें आपको टिक करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके रखना है और फिर यहाँ आप अपना इंस्टीट्यूशन का नाम देंगे, जिस इंस्टीट्यूशन के नाम से आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट इशू हो, ठीक है। तो मैंने जैसे दे दिया अपना, हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम है आरोग्यम योगा एंड वेलनेस स्टूडियो, इंस्टीट्यूशन का नाम हमने दे दिया। जो इंस्टीट्यूशन के हेड है आपको उनका भी नाम देना है, तो मेरा जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हेड मैं ही हूँ, तो मैंने इधर अपना नाम डाल दिया है।
एड्रेस आपकी मर्जी है, आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये आज इस बार जो है ऑनलाइन हो रहा है, तो ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एड्रेस डालना ही है। नीचे आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, ये मैंडेटरी है, और यहाँ जो है आप अपना ईमेल आईडी देंगे। तो मैंने जैसे वहाँ अपना खुद का दिया था, यहाँ मैं इंस्टीट्यूट का दे देती हूँ। ये हमने दे दिया, फ़ोन नंबर भी मेरा वही है तो मैं वही दे दूंगी। यहाँ वापस सबमिट का बटन हम प्रेस करेंगे तो देखिए इसका भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो गया। अभी इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ये यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो ये इनका थोड़ा सा फॉल्ट है। मैंने पहले भी कई बार किया हुआ है लेकिन ये ऐसा ही हो रहा है। तो आप, मैंने आपको बस प्रोसेस बता दिया है, जब भी, क्योंकि हम वीडियो तो एक बार ही बना रहे हैं, तो जब भी ये खुले आपको डेली चेक रखना है कि अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं। तो जब भी आपको दिखे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और ईमेल आईडी आ गया है, आप तुरंत इसको प्रिंट कर ले, ठीक है। तो ये इनके वेबसाइट में थोड़ा सा शायद फॉल्ट होगा मेरे को जितना लगता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार ट्राई करेंगे तो इसका भी आपका पहले जैसे हमने किया था कॉमन योगा प्रोटोकॉल का, वैसा ही आपका हो जाएगा। तो ये था अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है हर एक, आप जो सर्टिफिकेट अटेन करने के लिए हर एक जो है प्रोग्राम में आप अप्लाई करो, चाहे वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर अगर आप योगा टीचर हैं और आपके पास कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से, तो आप इस उस पर भी अप्लाई करो। जो मैंने बताया इंस्टीट्यूशन का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आप जो है हर रोज आप चेक करते रहे ना, क्योंकि अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, तो वहां आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं स्टोरी वगैरह या फिर स्टेटस जो है डाल दूंगी, तो आप मेरे को वहां फॉलो कर सकते हैं जब भी वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि मैं अपना खुद का भी करने वाली हूँ इंस्टीट्यूट का, तो वहां मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको, आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल रहा होगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हर एक व्यक्ति के साथ आप शेयर कीजिए, आपके हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का जो है लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।